वॉर्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92 और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मुनीज़ मोइन। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली खत्म कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स कौमी स्क्वाड मुंतखब, रिजवान सीनियर क्यादत करेंगे। श्रीलंका ने पाक भारत क्रिकेट अपने मुल्क में करवाने की पेशकश कर दी। टेस्ट रैंकिंग जनूबी अफ्रीकन बॉलर बादा नंबर वन बॉलर, पाकिस्तानी बैट्समैन अजहर अली की तनज़ुली। आइंदा माह ऑस्ट्रेलिया के साहली शहर गोल्ड कोस्ट में शेड्यूल कॉमनवेल्थ के लिए 18 रुकनी कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान सीनियर क्यादत करेंगे जबकि इमाद शकील बट नायब कप्तानी के फराइज सरंजाम देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मेगा इवेंट में शरीक टीमों को दो ग्रुप्स ए और बी में तकसीम किया गया है। पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जनूबी अफ्रीका और स्कॉटलैंड, जबकि पूल बी में पाकिस्तान के साथ रवायती हरीफ भारत, इंग्लैंड, मलेशिया और वेल्स को जगह दी गई है। फीफा ने पाकिस्तान की मुअत्तली खत्म कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान हर सतह के इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत का अहल हुआ है। मुअत्तली खत्म होने के बाद पाकिस्तान की क्लब टीमें भी इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगी। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत गुज़श्ता बरस 10 अक्टूबर को हुकूमत मुखालफत के बायस मुअत्तल की थी। रवां साल मार्च में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुंतखब सदर फैसल साले हयात और उनके अराकीन को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चार्ज मिल गया, जिसके बाद उन्होंने फीफा को खत लिखकर आगाह किया था। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा कि फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की मुअत्तली खत्म कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान हर सतह के इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत का अहल हो गया है, कितना सूदमंद फैसला है ये पाकिस्तान के लिए? हर लिहाज से सूदमंद है। सबसे पहले तो ये कि जब आप किसी भी खेल से वाबस्ता हैं और उसकी आलमी तंजीम अगर आपको तस्लीम करती है तो कम से कम आप वो तमाम सम्राट आपको मिल सकते हैं किसी भी मुल्क को जो उस आलमी तंजीम से दीगर ममालिक हासिल करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये फैसला इंतहाई अच्छा है और इससे पाकिस्तान में न सिर्फ फुटबॉल की सरगर्मियां दोबारा से बहाल होंगी बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा बुनियादी ढांचे के ऊपर काम पाकिस्तान में हो रहा था फीफा और AFC के तरफ से मिलने वाले डेवलपमेंट फंड की डेवलपमेंट बजट के साथ वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी राय में ये एक अच्छा फैसला है। इससे पाकिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियां बहाल होंगी, पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल तरक्की करेगा, पाकिस्तान में फुटबॉल खेलने वालों की, देखने वालों की, फुटबॉल पर लिखने वालों की तादाद में इजाफा होगा बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसा खेल जो कि दुनिया भर में एक मकबूल तरीन खेल की हैसियत रखता है, पाकिस्तान में उसकी सरगर्मियाँ बहाल होने से दुनिया के साथ जो रबता हमारा मुनकता था कुछ अरसे से वो बहाल होगा और उसके साथ साथ हमारे खिलाड़ी जो आज से 2-3 साल पहले इंफरादी तौर पर इतनी अच्छी सलाहियतों के हामिल थे कि उनके गैर ममालिक में प्रोफेशनल प्लेयर की हैसियत से वो मुख्तलिफ क्लब्स के साथ उनके माहदे हो रहे थे, वो सिलसिला जो टूटा था अब वो दोबारा शुरू होगा। ये अलग बात है कि हम कितना वक्त हमें लगेगा दोबारा अपने आप हाउस इन ऑर्डर करने में, मुकाबलों की जो कौमी सतह के मुकाबले हैं उनके मैार को उन्हें शुरू करने में, फिर उनको मैारी बनाने में और फिर अपने खिलाड़ियों को दोबारा से मुतहरक करने में, कौमी सतह के मुकाबलों के मैार को बेहतर बनाते हुए अपने सलसल बेहतर ट्रेनिंग तरबियत और उसके साथ साथ उनको बैन अवी सतह पर खेलों के मुकाबलों में शिरकत के मौाक़े दे उनको उनकी सलाहियतों को निखार कर उनको आज़ाद कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो बहुत सारे हवालों से अगर हम देखते हैं तो ये फैसला पाकिस्तान के लिए इंतहाई अच्छा है। बताइएगा कि फीफा के इस एकदम से हम दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा सकते हैं? फुटबॉल कोई ऐसा खेल नहीं है कि आप यकायक बहाल हों और यकायक आप कामयाबियां शुरू कर दें। किसी भी खेल में वैसे ये बहुत मुश्किल होता है और पाकिस्तान में फुटबॉल वैसे भी तरक्की पजीर ममालिक का शुमार होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर इस फैसले से पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल तरक्की करने लग जाएगा। अगर वो इंफरादी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे तो वो खिलाड़ी अगर बैन अवी सतह पर जो प्रोफेशनल लीग्स हैं उनमें वैसे शिरकत करते रहते तो उनकी सलाहियतों में इजाफा जरूर होता और उसके साथ साथ उसका फायदा पाकिस्तान की टीम को भी होता। बताइएगा कि जो फेडरेशन हुकाम के अंदरूनी तनाजात हैं उनको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? जो पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के हवाले से काम हुआ है वो फैसल इससे पहले माजी में पाकिस्तान के बाद फुटबॉल के हवाले से अच्छी चीजें नजर आई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बहुत ज्यादा फाल और मुतहरिक किरदार अदा नहीं की।
हमने खिलाड़ियों को संभाला नहीं, हमने जो मुनासिब इकदाम करने की जरूरत थी वो नहीं उठाए, लेकिन साल हयात के सदर बनने के बाद बुनियादी ढांचे के ऊपर काम किया गया, अच्छा खासा काम हुआ। मुझे फैसल साल हयात बता रहे थे कि वो लियारी में एक फुटबॉल हाउस बनाना चाहते हैं, गो के कराची में एक और है लेकिन बिलखसूस लियारी के लोगों के लिए क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। इसी तरह से चमन में वो एक फुटबॉल हाउस बनाना चाहते हैं क्योंकि चमन एक हब है फुटबॉलर्स का, ताकि उन लोगों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया हों उनके घरों के पास, उनके अपने इलाके में। ये वो इकदाम हैं जो अगर जितनी जल्दी उठाए जाएँ, उनसे जो इलाके आइडेंटिफाई कर लिए जाएँ, उनकी शनाख्त कर ली जाए, उनकी निशानदेही कर ली जाए, यहाँ के बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा आप फोकस करें, जितनी ज़्यादा आप उसके ऊपर मेहनत करें उस टैलेंट को बेहतरीन देने के लिए और उनको मौके देने के लिए, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान के फुटबॉल को उससे फायदा हो सकता है। जी, पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी कोई टीम सामने नहीं आ सकी है, आपके ख्याल में इसकी क्या बुनियादी वजह है? ये तो मौजूदा फेडरेशन है, इसके अंदरूनी कोई इख्तलाफात हैं, ये तो जितने भी लोग मुंतखब वो फैसल साल हयात की क़यादत में मुत्तहिद भी हैं, मुत्तफिक भी हैं, इस फेडरेशन में मुझे कतन ये नहीं लगता कि फेडरेशन के अंदर जो भी उनके लोग हैं, हुकाम हैं, उनमें कोई इख्तलाफात हैं या उनमें कोई दूरियां हैं या वो इख्तलाफ राय इस किस्म का रखते हैं जो कि फुटबॉल से हट के जातियात के ऊपर आ जाता है। इस फुटबॉल फेडरेशन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की कोई चपकलश पाई जाती है या नाचाकी पाई जाती है। ये लोग मुत्तहिद हैं हुकूमती सतह पर, जो अब तक हमें चीज़ें नजर आई हैं और जिसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं फैसल साल हयात और उनके मुंतखब साथी के हुकूमत हुक्मरान, जो वक्त के हुक्मरान थे, उनके करीबी अजीज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में आना चाहते थे और उनको लाने के लिए तमाम कार्रवाई की गई, जो कि जिसका नतीजा ये निकला कि एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात करना पड़ा और उसके बाद फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। और फिर जब आप देखें कि मौजूदा अदलिया के फैसले के बाद मुंतखब लोगों के पास तमाम चीज़ें और इख्तियारात और तमाम जितने भी इंतजाम थे उनके सुपुर्द किए गए हैं, तो चंद दिनों में ही फीफा ने पाकिस्तान को बहाल कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कुछ किस्म की तनाजात या इख्तलाफात हैं, बल्कि ये बैरूनी तनाजात थे जिनको रंग देने की कोशिश की गई कि फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। जी, तो फुटबॉल की टीम बनाने और टैलेंट को सामने लाने के लिए हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? पाकिस्तान की फुटबॉल टीम की अगर आप बात करते हैं तो ये तो मौजूद है थी और इसने माजी करीब में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। फुटबॉल को ये भी क्रेडिट जाता है कि जिन दिनों पाकिस्तान नो गो एरिया था स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ पर फुटबॉल के बैरूनी दुनिया से टीमें आई, गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आकर खेली हैं। पाकिस्तान ने भारत में जाकर भारत के खिलाफ बेहतर गोल एवरेज के ऊपर सीरीज भी अपने नाम की थी। तो ये फुटबॉल टीम तो मौजूद है और उसको मेरा जैसा कि पहले जिक्र किया कि मुतहर्रिक करने की और फाल करने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ढाई तीन साल के अरसे में जो फुटबॉल की एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं हुई है, आप देखेंगे जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स से उनको कितना नुकसान पहुंचा होगा। पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो एक टाइम में पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स थे, वो तीन साल तक उन्हें ठीक खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो तमाम के तमाम लोग उनको जंग लगा है, उनका बैकअप तैयार करने में बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। कौन से खिलाड़ी इस वक्त ऐसे हैं, उनकी फिटनेस वही है, उनकी स्किल लेवल वही है, उनकी ट्रेनिंग वैसी वो करते रहे या नहीं करते रहे, तो बहुत सारे मसाइल इस फेडरेशन को हैं। टीम पाकिस्तान की मौजूद है और अगर अब ये दोबारा ये लोग आए हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की फुटबॉल को दोबारा से उठाना है, जिंदा करना है और उसको दुनिया के साथ जोड़ते हुए वो तमाम सरगर्मियां करनी है जिनकी पाकिस्तान जैसे मुल्क को जरूरत है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके खसूसी वक्त का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। आईसीसी की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग के तहत बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया कायद स्मिथ का टॉप पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। विराट कोहली दूसरे, जो रॉड तीसरे, केन विलियमसन चौथे, डेविड वार्नर पांचवें और पुजारा छठे नंबर पर विराजमान हैं। डिविलियर्स सातवें नंबर पर आ गए हैं और उन्होंने अजहर अली को आठवीं पोजिशन पर धकेल दिया है। पाक भारत क्रिकेट के फासले मिटाने के लिए श्रीलंका पुल का किरदार निभाने को तैयार हो गया है। बोर्ड चीफ थालंगा स्माथीपाला ने रवायती हरीफों के मुकाबलों को एशियाई क्रिकेट के लिए नाकुजीर करार देते हुए अपने मुल्क में मैचेस की पेशकश कर दी है। भारत ने सियासी कशीदगी का नजला हमेशा क्रिकेट पर गिराते हुए
पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज खेलने से इनकार किया है। बीसीसीआई ने बिग थ्री की हिमायत के बदले में 8 साल में 6 सीरीज खेलने का मुआहदा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इजाजत न मिलने का जवाब पेश करते हुए उनमें से एक भी नहीं खेली। पीसीबी जरे तलाफी की वसूली के लिए आईसीसी की तनाजात कमेटी में केस दायर कर चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर बताइएगा कि श्रीलंका ने पाक भारत क्रिकेट अपने मुल्क में करवाने की पेशकश कर दी है, आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन भी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाक भारत क्रिकेट सीरीज की तो उसके इंतजार में पाकिस्तानी शायकीन भी और इंडिया के जो शायकीन है वो भी इंतजार में है कि कब पाकिस्तान और इंडिया जो है ये आपस में क्रिकेट खेलें। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं, और अगर न्यूट्रल वेन्यूज की बात की जाए तो गुज़श्ता 5-6 सालों से इंडिया की बार बार वो यही कहते हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यूज में पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है, लेकिन वो खेलते नहीं। अब श्रीलंका ने जो पेशकश कर दी है ये बहुत खुशाइन है, अब इंडिया को भी आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की जो सीरीज है वो खेलनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों ममालिक के जो शायकीन हैं वो इसी इंतजार में है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडिया के जो प्लेयर्स है जो जब इन दोनों के दरमियान सीरीज होगी तो वो इसी इंतजार में है दोनों मुल्कों के शायकीन। भारत हमसे न्यूट्रल वेन्यू पर भी खेलने के लिए तैयार नहीं है, इसकी वजह हठधर्मी है या फिर कुछ और? ये गुज़श्ता 5-6 साल से इंडिया की ये वतीरा रहा है कि वो बार बार मुआहदे कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यूज में क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जब वक्त आ जाता है वो मुकर जाते हैं और उनके पास जो सबसे बड़ा बहाना है वो यही कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है। अब क्रिकेट और सियासत को अलग अलग अगर ये कर दे और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ये खेले तो इससे दोनों ममालिक के जो शायकीन है उनको भी मौका मिलेगा इन दोनों टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने का। अगर अब इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि वो न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो खेले तो ये अच्छा मौका है, उनको खेलना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि माजी में अभी उन्होंने बहुत वादे किए हैं और अपने वादों से वो फिर मुकर गए हैं। बताइएगा कि आईसीसी को इस हवाले से क्या इकदाम करने होंगे? जी, आईसीसी को अब चाहिए कि वो भारत की जानिबदारी छोड़ के अब न्यूट्रल जो है वो बने और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज का जो है वो इनेकार करे, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 6 सीरीज जो है वो खेलेंगे, लेकिन ताहाल एक सीरीज भी नहीं खेल सके। आईसीसी को पाकिस्तान ने खत भी लिखा और इस हवाले से आगाह भी किया था, लेकिन आईसीसी ने फिलहाल तक कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और उनका ये कहना था कि कमेटी को हमने इख्तियार दिया है, कमेटी देखेगी उसके बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन ताहाल उनके खिलाफ ना कोई एक्शन लिया गया ना कोई उनको नोटिस किया गया, तो ये एक जानिबदारी से जो है वो काम ले रही है और अब उनको चाहिए कि वो बिल्कुल न्यूट्रल बन के पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सीरीज कराए। लेकिन फिलहाल तक अगर बात की जाए तो आईसीसी जो है वो जानिबदारी से जो है वो काम ले रही है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात है वो बेहतर नहीं है, जब बेहतर होंगे तो भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान जाएगी। लेकिन अगर न्यूट्रल वेन्यूज की बात की जाए तो न्यूट्रल वेन्यूज पे अब भारत को जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए, श्रीलंका ने भी ऑफर दे दी है, अब अगर उधर भी नहीं खेलते तो दुबई में वो खेल सकते हैं, शारजा में वो खेल सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो खेलने को तैयार नहीं। लेकिन आईसीसी समेत भारत का हमेशा से यही वतीरा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अकेला छोड़ दे और पाकिस्तान में जो बैन अलाक्वामी क्रिकेट है उनका रिवाइवल जो है वो दोबारा बहाल ना हो, इसीलिए वो बार बार यही बहाने कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यूज में खेलेंगे, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो वो अपनी बात से जो है वो मुकर जाते। अब आईसीसी को चाहिए कि वो कम अज कम अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को तैयार नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन ले ले, क्योंकि उनको अब न्यूट्रल होना पड़ेगा। जब तक आईसीसी के जो हुक्काम है वो न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान और भारत का सीरीज जो है वो मुमकिन जो है वो नहीं है। बीसीसीआई ने बिग थ्री की हिमायत के बदले 8 साल में 6 सीरीज खेलने का मुआहदा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इजाजत न मिलने का जवाब पेश करते हुए उनमें से एक भी नहीं खेली, आपके ख्याल में पीसीबी का मौकफ कमजोर है या फिर भारत हमसे ताकतवर है? भारत ने खुद ही मुआहदा किया था कि आप हमें बिग थ्री में सपोर्ट करें, इसके बदले हम आपके साथ 6 सीरीज जो है वो खेलेंगे, ये भी उसमें लिखा गया है कि कहाँ पे ये सीरीज खेलेंगे और इस कितने सालों में कितने सीरीज होंगे,
लेकिन हमने उनको सपोर्ट किया और उसके बदले में हमें आज तक जो है वो एक सीरीज भी नहीं खेल सके। उनकी बुनियादी वजह ये है कि आईसीसी पर भारत के असर रसूख जो है वो बहुत ज्यादा है और वो उनके आगे जो है वो घुटने टेक देते हैं और वो उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकते। अब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ जो है आईसीसी को लिखा भी है और ये भी कहा था कि उनके खिलाफ जो है एक्शन ले ले, लेकिन आईसीसी के वही रिवायती बातें, उन्होंने यही लिखा कि हमने कमेटी के सुपुर्द कर दिया है और इसका हल जो है वो जल्द अज जल्द निकालेंगे। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी ना उनको नोटिस दिया ना उनसे कोई पूछ गछ की गई और यही हिले बहाने रोज जो है वो कर देते हैं कि माजी करीब में जो है हमने मुआहिदा किया था लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं खेल सके क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं है, बार बार यही बहाना करते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि भारत के खेल मुखालिफ रवैये पर आईसीसी को नोटिस ले लेना चाहिए? आईसीसी को तो बिल्कुल नोटिस भी लेना चाहिए। आईसीसी को ये चाहिए कि अगर इंडिया ने मुआहिदा किया है, खुद मुआहिदा किया है कि हमें सपोर्ट करे बिग थ्री में, हम उसके बदले में 8 साल में 6 सीरीज आप लोगों के साथ खेलेंगे, लेकिन आईसीसी जो है वो बिल्कुल साइड पे हो गया है क्योंकि आईसीसी के सदर का ताल्लुक जो है वो भारत से है और वो आईसीसी के सदर से ज्यादा भारत का सपोर्टर बन जाता है। जहां पे सपोर्ट की बात आ जाती है तो वो भारत के हक में बयान भी जारी कर देता है और भारत का साथ भी देता है। अब आईसीसी के सदर को चाहिए कि वो भारत का रुकन ना बने और आईसीसी का सदर बने और वो इस बात का फैसला करे क्योंकि पीसीबी ने तो उनसे डिमांड कर लिया है कि उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाए, उनके तहकीकात की जाए कि क्या वजह है, वो क्यों खेलने को तैयार नहीं जब उन्होंने खुद मुआहिदा किया है। तो वो कम से कम न्यूट्रल वेन्यूज पे तो खेल सकते हैं लेकिन उनकी वही रिवायती बहाने के हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं है और पाकिस्तान के हालात जो है ये बेहतर नहीं है। अगर बात की जाए आईसीसी को तो आईसीसी को अब एक्शन लेना चाहिए। भारत का मेन मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान को बैन अलाक्वामी क्रिकेट से जो है वो दूर रखा जाए और जो इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के बजाय वो भारत जो है वो भारत आए और भारत में खेलने को तैयार हो। अब भारत का ये भी है कि वो नहीं चाहते कि PSL का कामयाब जो है वो इनेकाद हो क्योंकि इससे पता नहीं उनको क्या नुकसान है। आईपीएल तो वो खेल लेते हैं भारत में लेकिन यहाँ पे जब पीएसएल की बात आ जाती है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। वो जो बैन अलाक्वामी प्लेयर जो आने को तैयार भी हो जाते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, हमारे हुकूमत की जानिब से हमें इजाजत नहीं है। तो इससे वो जो बाकी प्लेयर्स है वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पाकिस्तान में क्या वजह है कि भारत जो उनका पड़ोसी मुल्क है वो भी जाने को तैयार नहीं है। तो भारत का बुनियादी मकसद जो है बैन अलाक्वामी सतह पर पाकिस्तान को अकेला करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आईसीसी इसमें बराबर जो है वो मुलविस है, वो उनका साथ दे रहे हैं। अगर आईसीसी न्यूट्रल है तो उनको चाहिए कि वो तहकीकात करे कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार क्यों नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके खसूसी वक्त का। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।